हेलो दोस्तों मैं प्रशांत पांडे के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम लॉकडाउन के बारे में बात करना चाहेंगे आखिर ये लॉकडाउन होता क्या है क्यों किया जाता है कहां कहां पर होता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लॉकडाउन आखिर होता क्या है आपदा या महामारी की स्थिति में फ़ैसले सरकार लेती हैं ज़रूरी सामानों को ख़रीदने के लिए लोग बाहर निकलते हैं लोगों को घर में रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि इससे लोगों का आवाजाही कम हो जाए इसमें दोस्तों अस्पताल दवा जनरल स्टोर बैंक मदर डेरी फ्रूट्स सब्ज़ियाँ नॉर्मल तौर पर चला करती हैं लोग बाज़ार में जाएं तो लोगों से दूरी बनाए रखें दोस्तों अस्पताल इसलिए खुले रहते हैं क्योंकि आपदा के समय पर अस्पताल ही मेन होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी होती है तो वो अस्पताल में ही जाता है फायर डिपार्टमेंट खुले रहते हैं दोस्तों इसलिए यदि अचानक किसी जगह पर आग लग जाती है तो वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट बुलाकर आग को बुझाया जा सके मीडिया हमेशा काम करती रहती है जिससे कि हमें आपको सारी न्यूज़ मिलती रहे बिजली पानी के काम सामान्य रूप से चलते रहते हैं ये आवश्यक चीज़ें हैं अब दोस्तों हम कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में जो कि इंडिया के अंदर केसेस आ रहे हैं लगभग 700 प्लस केसेस इंडिया के अंदर इस समय हो गए हैं दोस्तों हम ये जानना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर अभी इतने कम केसेस क्यों हैं इसके तीन मुख्य कारण हैं चाइनीज़ टूर जो हैं भारत के अंदर जनवरी फरवरी के महीने में बहुत कम आए थे जैसे चाइना इटली स्पेन यूएस जर्मनी के टूरिस्ट जो थे भारत के अंदर बहुत कम आए थे दूसरा दोस्तों चाइनीज़ टूर के फ़्लाइट को बहुत पहले कट ऑफ कर दिया गया था भारत ने कर दिया था जिससे कि चाइनीज़ लोग भारत के अंदर बहुत कम आ पाए तीसरा हमारे भारत में अभी बहुत कम टेस्ट हुए हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत के अंदर अभी हमारे भारत के अंदर अभी बहुत कम टेस्ट हुए हैं जिससे कि ये आंकड़े जो हैं बहुत कम आ रहे हैं इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो डीजी हैं उनका नाम है बलराम भार्गव उन्होंने ये आंकड़ा दिया है कि भारत के अंदर एक दिन के अंदर लगभग दस हज़ार जाँच हम कर सकते हैं लगभग एक सौ अट्ठाईस जाँच केंद्र बनाए गए हैं जिसमें से लगभग पंद्रह प्राइवेट लैब वालों को अथॉरिटी दी गई है इनमें यह बताया जा गया है कि हमारे भारत के अंदर एक हफ़्ते के अंदर लगभग 50 से सत्तर हज़ार टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों मैं बताना चाहूँगा परगोजी हैं इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के डीजी उन्होंने यह आंकड़ा दिया कि फ़्रांस के अंदर लगभग एक हफ़्ते के अंदर दस हज़ार जाँच करने की कैपेसिटी है यूके के अंदर एक हफ़्ते में सोलह हज़ार जाँच करने की कैपेसिटी है यूएसए में छब्बीस हज़ार है जर्मनी में बयालीस हज़ार है इटली में बावन हज़ार है साउथ कोरिया में अस्सी हज़ार एक हफ्ते के अंदर जाँच करने की कैपेसिटी है भारत के अंदर पहले एक एन की लैब थी अब सरकार ने उसको बढ़ा करके लगभग एक लैब कर दिया है दोस्तों प्राइवेट लैब ने इसका मूल्य तय किया है हम जानते हैं कि सरकार ने ही तय किया है लेकिन प्राइवेट लैब जो हमारे इस टेस्ट का पैसा लेंगे वो पैंतालीस सौ रुपये उनका मूल रखा गया है दोस्तों यदि आपको ये कुछ अपडेट्स हमारे पसंद आते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए जिससे कि अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और लोगों के पास जानकारियां पहुंच सके और आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को शेयर करिए धन्यवाद